हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग नीट न्यूमेरिकल सीरीज जो चला रहे हैं उसमें वर्क पावर एनर्जी का सेकेंड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट वीडियो देखे थे, आज सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड देखेंगे। 10 तक तो हम लोग देखा था, 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि अ बॉम ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड इन टू टू पीसेज ऑफ मास 18 kg एंड 20 kg 12 kg। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज इतना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपने को वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, है ना। और जब वेलोसिटी पता हो जाएगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उससे वर्क काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि जितना मोमेंटम शुरू में था उतना ही बाद में। तो शुरू में मास कितना था 30 kg, है ना, और ये वेलोसिटी क्या है, एट रेस्ट में था, तो इसका वेलोसिटी जीरो था। अब ये टूटा दो बना, एक 18 kg का जिसका वेलोसिटी 6 है, प्लस एक दूसरा बना जिसका वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, हमने भी मान लिया। तो ये जीरो इक्वल टू 18 सिक्स जे कितना हो जाएगा, 108 प्लस 12 भी, है ना। तो 12 भी को इधर लाइए और माइनस 108, तो भी इक्वल टू माइनस 108 बाई 12, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम तो दिया हुआ है, इसका निकालना है 12 kg का, 12 इंटू भी हो गया माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 81 6 और 6 848 जूल, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अ मास 1 kg एज थ्रोन अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड इंटू टू पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम्स कम्स टू डाउन विथ वेलोसिटी इतना, टू पीस वन पार्ट ऑफ मास इतना कम्स डाउन विथ ए वेलोसिटी 25 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 12 kg का था, है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन के लिए अपने को भी इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं ना। यू इनिशियल तो दिया हुआ था कि 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, जी का वैल्यू 10 और टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या था पहले ये कैलकुलेट किया, तो 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड था। तो वन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो 1 kg मास है उसका वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये टूटा, टूटने के बाद दो बना, पहले का मास दिया हुआ है 400 ग्राम में, तो ग्राम है तो 1000 से भाग देके इसको डिवाइड करके केजी में बदल देंगे, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जा रहा था ऊपर, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, तो अदर पार्ट का वेलोसिटी अब 1 केजी का यानी 1000 ग्राम का है, अगर ये 400 ग्राम तो दूसरा कितने का होगा, 600 ग्राम का, 600 बाई 1000 इनटू इसका वेलोसिटी अपने को पता नहीं, हमने भी डैश मान लिया। अब 50 ये हो जाएगा 2.4 इंटू 25 नेगेटिव, ये हो जाएगा 0.6 इंटू भी डैश। तो यहाँ से देखिए 50 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कीजिए 25 4 जा 100, है ना। तो 100 हो जाएगा नेगेटिव में, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.6 भी, तो ये इधर आएगा तो 60 बन गया, 0.6 भी, तो भी का वैल्यू हो गया 60/0.6, डेसिमल हटाइए 600, तो 100 बन गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी चला जाएगा अपवर्ड की तरफ, है ना, पॉजिटिव आ गया, मतलब सॉरी ये 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो अपवर्ड जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, बॉल ऑफ मास 2 kg, अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg, एक 2 kg का है और दूसरा 4 kg का है, ठीक है। ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम 60 फीट टॉल बिल्डिंग, आफ्टर द फॉल
ऑफ 30 फीट ईच टुवार्ड्स ईच अर्थ देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशियो ऑफ। अच्छा, एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, तो 30 मीटर पे आ रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, अब हमको काइनेटिक एनर्जी पहले का और दूसरे का पूछा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर बाई हाफ एम वी टू स्क्वायर एम टू वी टू स्क्वायर, है ना, हाफ हाफ तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एम वन 2 kg ऑफ मास, अनदर ऑफ 4 kg, तो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी भी और ये भी, ठीक है, दे रेस्पेक्टिव बोथ वॉल अटेन सेम वेलोसिटी भी आफ्टर फॉलिंग थ्रू 30 मीटर, है ना। एक तो डाउनवर्ड आ रहा है, एक का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दूसरे का क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब 30 मीटर पे दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 1/2 यानी 1:2 रेशियो, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इन टू 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर एम वन वी वन स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब एम वन एम टू है और वी वन वी टू वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मूव्स विथ अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम वन वी वन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ से हमको जो काइनेटिक एनर्जी एम वन वी टू और इस टर्म में आ रहा है, तो करना क्या है, इसमें हम कर क्या सकते हैं, एम वन वी वन स्क्वायर बाई एम टू वी टू स्क्वायर, है ना, और शुरू में तो रेस्ट में था, तो एम टू बाई एम वन कर लीजिए, है ना, तो एम टू गया, एम वन गया, तो यहाँ से एक्चुअल में मिलने क्या जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एम वन वी वन जो है वो एम टू वी टू के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, हाँ, यहाँ से आया अपने को एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। अब एम वन वी वन की जगह क्या हो सकता है, एम वन वी वन एम टू वी टू, तो एम वन वी वन, है ना, तो रिप्लेस कीजिए, एम वन वी वन की जगह पे रख देते हैं एम टू वी टू, है ना, एम वन वी वन की जगह क्या रख देंगे, एम टू वी टू, और यहाँ से एक वी वन है अपने पास, चलिए, और ये एम टू वी टू टू ठीक है, ठीक है, और एक और वी टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटने के बाद अपने को एम वन कट जाएगा, एम वन वी वन स्क्वायर बाई एम टू वी टू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमको स्क्वायर एनर्जी चाहिए था, तो देखिए यहाँ से, एक मिनट, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। तो एम वन वी वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम टू वी टू इंटू वी वन, ठीक है, और एम टू वी टू को छोड़ दीजिए, एक वी टू यहाँ, तो एम टू वी टू वी टू कट जाएगा, वी वन बाई वी टू, तो वी वन बाई वी टू क्या आ जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब वी वन बाई वी टू तो आ गया, वी वन बाई वी टू किसके रेशियो हो जाएगा, एम टू बाई एम वन, उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रेशियो, तो यहाँ से उल्टा रेशियो में आएगा एम टू बाई एम वन। या इस फॉर्म में बनाने के लिए एक और तरीका कर सकते हैं, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर बाई हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एम वन से, यहाँ से एक ऊपर, एक एम वन से अगर एम टू और एक नीचे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको स्क्वायर बना दिए, इसको स्क्वायर बना दिए, तो इसको स्क्वायर बनाए तो एक मल्टीप्लाई किए तो एक डिवाइड कर दिया, यहाँ एक मल्टीप्लाई किए एक डिवाइड। अब एम वन वी वन की जगह क्या हो जाएगा, एम टू वी टू, एम वन वी वन किसके इक्वल है, एम टू वी टू का, तो ये कट जाएगा, एम टू बाई एम वन आपका आंसर आ जाएगा, एम टू बाई एम वन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्या बोलता है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम वन मूविंग विथ, यहाँ से इसमें एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू का रिलेशन लगा के तब निकाल सकते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास एम टू
एम वन मूविंग विथ वेलोसिटी वी वन, अनदर पार्टिकल ऑफ मास एम टू मूविंग विथ वेलोसिटी वी टू, बोथ हैव देयर सेम मोमेंटम बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ई वन एंड ई टू द रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिवली इफ एम वन इज ग्रेटर देन एम टू देन। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन, ई इक्वल टू पी ए स्क्वायर बाई टू एम, तो इनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम हो गया, है ना। तो ई वन बाई ई टू किसके इक्वल हो जाएगा, एम टू बाई एम वन का, यहाँ से इन्वर्सली हो जाएगा वन बाई एम, तो एम टू बाई एम वन हो जाएगा। तो ई वन बाई ई टू एम टू बाई एम वन के इक्वल है, यानी जिसका एम वन यहाँ पे ग्रेटर है, तो जिसका मास ज़्यादा है ना उसका काइनेटिक एनर्जी कम, तो ई वन इज लेस देन ई टू, ये बन गया 15 नंबर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है ना, एक और देखते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी ए स्क्वायर बाई टू एम। तो मोमेंटम की बात कर ले, मोमेंटम क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू एम ई, है ना। अब बोला है कि मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, तो मोमेंटम किसके इक्वल है, पी वन बाई पी टू की बात करें तो रूट अंडर एम वन बाई एम टू हो जाएगा। तो एम वन क्या है, फोर वन एम बाई फोर एम, एम एम कट जाएगा, वन बाई टू, वन इज टू, टू इसका आंसर हो जाएगा। टू बॉडीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो फोर इज टू वन, देर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और इन द रेशियो ऑफ मूविंग इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ई। अब एम वन बाई एम टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई टू बाई ई वन का, तो फोर बाई वन बाई फोर हो जाएगा, वन इज टू फोर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई ए मास एम इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस डी